हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यातायात की दृष्टि से एक राहत भरी घोषणा करते हुए कहा कि करनाल में पूर्वी बाईपास बनेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी से इसकी मंजूरी हो गई है। बाईपास की लंबाई 35 किलोमीटर रहेगी और यह 7 मीटर चौड़ा होगा तथा इस पर 1300 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। नया बाईपास जीटी रोड मधुबन व कुटेल के बीच से शुरू होकर झंझाड़ी गांव में जीटी रोड पर आकर मिलेगा। इसके आसपास लगते सभी गांव बाईपास से जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री रविवार को शहर के दीनबंधु चौधरी छोटूराम नमस्ते चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में नागरिकों से रूबरू थे। उन्होंने इस अवसर पर नवनिर्मित नमस्ते प्रतिरूप का लोकार्पण और दानवीरकरण के नाम से भव्य स्वागत द्वार का उद्घाटन किया। स्वागत द्वार पर 45 लाख रुपए तथा नमस्ते की आकृति के निर्माण पर 15 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि करनाल का यह प्रवेश द्वार जीटी रोड देश की राजधानी से आने वाले लोग करनाल में जब प्रवेश करेंगे तो उनको एक नया आभास होगा। वैसे तो हमने 7 द्वार ही घोषित किए थे कि करनाल में प्रवेश करने वाले सब जितने भी मार्ग हैं, जितने राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या प्रदेश प्रादेशिक राजमार्ग हैं, राजकीय राजमार्ग, उन सब पर एक कोई ना कोई प्रवेश द्वार होगा। 7 द्वार घोषित किए थे। आज मुझे खुशी है कि उसमें से दूसरा द्वार दानवीर करण द्वार के नाम से आज उसका उद्घाटन हो रहा है। इससे पहले बलड़ी बाईपास पर चंडीगढ़ से आने वाले जो लोग हैं वहाँ का जो द्वार गीता द्वार, इसका उद्घाटन भी कुछ समय पहले हो चुका है। बाकी जैसे बताया है कि कुछ समय बाद निर्माणाधीन हैं वो सब भी हो जाएंगे। ऐसे ही इस द्वार के साथ साथ आज जो नमस्ते की जो मूर्ति है ये पहले भी यहाँ लगी थी, छोटूराम नमस्ते चौक ऐसा करके इसका नाम था, तो नमस्ते चौक के नाम से जो नमस्ते की मूर्ति उसका भी एक प्रकार से उसका नवीनीकरण किया गया है, उसमें उसका साइज बड़ा किया गया है, उसका सौंदर्यकरण किया गया है और ये मूर्ति जो है धरातल से 25 फुट ऊंची है। 25 फुट ऊंची मूर्ति अब ये दूर से नजर आएगी तो नमस्ते चौक का जो अपना जो एक पुराना हमारा एक मान्यता जैसी थी, दूर से ही नमस्ते मूर्ति दिखती थी, लेकिन फ्लाईओवर बनने के बाद ये मूर्ति दब गई थी, इसलिए उसको थोड़ा सा ऊंचा किया है। फिर से नमस्ते चौक की याद ये हमारी करनाल की बनी रहे तो उसका भी आज उद्घाटन किया है। लगभग इसके ऊपर 15 लाख रुपए का ये खर्च आया है और ये जो द्वार बना है इसके ऊपर भी 72.5 लाख रुपए का ये खर्च आया है। तीसरा स्थान है इस पर वो है चौधरी छोटूराम जी की मूर्ति। चौधरी छोटूराम जी की मूर्ति का भी सौंदर्यकरण वो तो सब किया ही गया है, लेकिन एक बात जो भी ध्यान में आई है कि उस मूर्ति को भी थोड़ा सा बड़ा बनाने की आवश्यकता है। हालांकि जाट सभा के लोगों ने कहा कि वो बनाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हम जाट सभा के लोगों को ये कष्ट न दें, हम कारपोरेशन की ओर से ही इस मूर्ति को भी बड़ा बनाएंगे। 24 फुट की ये मूर्ति ये बनेगी, 10 फुट बेस है और 14 फुट की मूर्ति है, तो कुल मिलाकर इस मूर्ति का भी हम कारपोरेशन की ओर से इसका सौंदर्यकरण भी और इसका नवीनीकरण भी, वो आज मैंने कह दिया है अपने कमिश्नर महोदय को कि उसका वो जल्दी से बना करके उसका भी उद्घाटन कराएं। इसी प्रकार एक एनवायरमेंटल सेंसर बोर्ड, ये भी हमने देखा है कि पीछे बना है, उस पर टेम्परेचर क्या है करनाल का, यहाँ का प्रदूषण का लेवल पीपीएम नाम से उसकी एक यूनिट होती है, तो कितना पीपीएम है, ज़्यादा होगा इसका मतलब ज़्यादा प्रदूषण है, कम होगा तो प्रदूषण कम है, ये भी एक लगाया है बनाया है। लेकिन मैंने देखा कि वो करनाल के अंदर शहर में जो लोग आएंगे उनको तो दिखेगा, हाईवे फ्लाईओवर के ऊपर से जो लोग जाएंगे उनकी नज़र उस पर कम पड़ेगी। अभी उसकी ऊंचाई है 25 फुट, लेकिन इसको दोबारा से 50 फुट ऊंचा बनाया जाएगा
और ये 8 फुट 8 बाई 8 फुट का जो बोर्ड है इसको 12 फुट बाई 12 फुट का बोर्ड बना करके ताकि करनाल के लोगों के साथ साथ हाईवे पर जाते हुए लोग भी उसको देख सकें, उसको भी थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा। और एक प्रसन्नता की बात है, आज जिसको मंजूरी हमने दे दी है कि करनाल का पूर्वी बाईपास, जो अभी हमारा पश्चिमी बाईपास तो कह सकते हैं कि नहर के साथ साथ जो बन गया, अब उसको पश्चिमी बाईपास का नाम हमने दिया है, लेकिन वो असल में बाईपास नहीं है, वो तो नहर के की जो ज़मीन है उसके ऊपर हमने सड़क बना करके एक कैथल साइड से आने वाले लोगों को, चाहे चंडीगढ़ जाए चाहे दिल्ली जाए, एक अलग से एक मार्ग मिल गया, या जो पश्चिमी करनाल के लोगों के लिए एक सुविधा हो गई। लेकिन बाईपास वास्तव में करनाल का पूर्वी बाईपास, जिसका जो हमारी ड्राफ्ट जो उसके प्लान हैं, जो मास्टर प्लान हैं उसके अंदर वो है, तो उसको आज फाइनल किया है कि मधुबन और कुटेल के बीच से दिल्ली से जब आते हैं तो राइट साइड से वो शुरू होगा, और झंझाड़ी से थोड़ा 2 किलोमीटर आगे वो बाईपास सड़क पर मिलेगा दाई और इधर से होते होते एयरपोर्ट भी अंदर आ जाएगा, कुछ गांव वो भी अंदर आ जाएंगे, हमारा कुंजपुरा भी अंदर आ जाएगा, ये सब एरिया भी उस बाईपास के अंदर आएंगे। 60 मीटर चौड़ा ये नेशनल हाईवे को एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उन्होंने इसको बनाने के लिए स्वीकृति अपनी दे दी है। लगभग 35 किलोमीटर का ये बाईपास होगा और 1300 करोड़ रुपए का अनुमानित उस पर खर्च है, ये भी आज उसकी मंजूरी दे दी है, ताकि हमारा पूर्वी साइड में जितना भी क्षेत्र है वो सब उस बाईपास के अंदर आए, और जब वो नेशनल हाईवे हो जाएगा तो फिर हमारा ये जो वर्तमान बाईपास है ये नेशनल हाईवे नहीं रहेगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।